हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल एवं उनके समर्थकों ने की टोल कर्मियों से बदसलूकी। मंगलवार देर शाम शाहजहांपुर बॉर्डर पर आते समय शाहजहांपुर टोल प्लाजा के 4 नंबर बूथ पर सांसद हनुमान बेनीवाल एवं उनके समर्थकों ने टोल कर्मियों से बदसलूकी की। टोल प्रबंधक जावेद कुरैशी ने बताया कि बेनीवाल करीब से 5 बजे अपनी 8-10 गाड़ियों के काफिले के साथ टोल के 4 नंबर बूथ पर पहुंचे। बैरिकेड लगा हुआ था। टोलकर्मी जब तक कुछ समझते, बेनीवाल एवं उनके समर्थकों ने टोल बूथों पर तोड़फोड़ प्रारंभ कर दी। आरोप है कि इस दौरान हनुमान बेनीवाल भी गाड़ी से उतर गए एवं टोलकर्मियों को धमकाने लगे। इधर संदर्भ में जब सांसद हनुमान बेनीवाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनसे आगे चल रही गाड़ियों पर टोल बूम गिरने से कोई विवाद सा हो गया था। मैंने सोचा कि वो मेरे कार्यकर्ता है तो मैं अपने गनमैन के साथ नीचे उतर गया एवं झगड़ा ना हो इसके लिए सभी को समझा बुझा के ले गया। झगड़ा करने वाले कोई और थे, मेरे कार्यकर्ता नहीं थे। आपके क्षेत्र की ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज टुडे। बेनीवाल के समर्थकों ने मारपीट की थी, तोड़फोड़ की, क्या मामला था? हनुमान बेनीवाल जी और उनके साथ 8-10 गाड़ियाँ थी, वो जयपुर की तरफ शायद दिल्ली की तरफ जा रहे थे। तो मेरे बूथ नंबर 4 पे लाइन पे वो पहुँचे तो लड़कों ने, उन्होंने बताया कि साहब ये हैं, तो लड़कों ने गाड़ी को निकाल दिया। उनके पीछे 2-3 गाड़ियाँ और थी, आगे चल के हनुमान बेनीवाल जी भी गाड़ी से नीचे उतर गए। उनके जो भी साथ में गाड़ियाँ थी सारे लड़के उतर गए नीचे, और मेरे जितने भी कर्मचारी खड़े थे उनके साथ गाली गलौज किया है, और जो बूम बैरियर लाइनों में लगे थे उनको तोड़ताड़ दिया है, और धमकी दे रहे थे कि आज के बाद अगर तुम आए तो सालों को जान से मार देंगे। उनका उत्पात मचाया था उन्होंने। सर, अब मामला दर्ज कराएंगे इसमें? अब मैं अपने सीनियर से बात करूंगा, और मैं अपनी जो फुटेज है वीडियो को देख रहा हूं, कितना सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है, कितना मेरे को नुकसान हुआ है, जो गाड़ियाँ निकली वो भी टोल दे के नहीं गई हैं, और मैं भी जो है मैं करता हूँ सर।